नमस्कार साथियों, मैं अनुराग गुप्ता सत्यादि शर्मा संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो पिछली दो क्लासेस हुई हैं कल और परसों में, वो बजट पर आधारित थी। और उस क्लासेस में मैंने आपको लगभग 3 घंटे की क्लासेस के माध्यम से, डेढ़ डेढ़ घंटे के हिसाब से अगर हम बात करें तो पिछले लगातार 2 दिनों से 3 घंटे की क्लास के माध्यम से मैंने आपको बजट के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा की थी। और ये चर्चा में आपने ये कैमरे को थोड़ा ठीक देखना है कि नहीं, मैंने आपसे चर्चा की थी, अगर मैं आप लोगों को बजट के बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको बजट के बारे में दोनों क्लासेस कैसी लगी, या दोनों लेक्चर आपके बजट के लिए आपके एग्जाम की दृष्टि से कैसे रहे हैं, ऐसा मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। कमेंट करके आप मुझे बताएं कि पिछले 2 लेक्चर जो कि मैंने बजट पर बनाए थे, बजट 2021 या यूं कहें 2021-22 पर बनाए थे, वो आपको कैसे लगे हैं ये आप मुझे बताएं। दूसरी बात कि मैं आपको एक बड़ी सूचना देने जा रहा हूं, और जैसा कि मैंने पहले भी ये सूचना दी है कि अब से आपकी क्लास पिछले 2 दिनों से आप जानते हैं शाम को 3:30 बजे से चल रही है, यानी कि ये क्लास अब डेली 3:30 से 5 के बीच रहेगी। यानी कि अब आपको करंट अफेयर्स की क्लास 1.5 घंटे मिलने वाली है, पूरा 1.5 घंटा। 4 से 5 की जगह ये क्लास 3:30 से 5 रहेगी। सर, ये 3:30 से 5 जो 1.5 घंटे क्लास है, इसमें कैसा करंट अफेयर्स होगा तो मैं आपको बता दूं कि 3:30 से 4 बजे के बीच, 3:30 से 4 बजे के बीच जो क्लास चलेगी, उस आधे घंटे में, इस 1.5 घंटे में, शुरुआत का आधा घंटे में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। जबकि शेष बात के 1 घंटे में, यानी कि शाम को 4 से लेकर 5 बजे के बीच आपको जो करंट अफेयर्स मिलेगा वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स होगा, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स होगा। एग्जाम की दृष्टि से आपको पूरे 1 साल का या 1.5 साल का जो मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो पढ़ाया जाएगा। यानी कि मेरी इस 1.5 घंटे की क्लास में आप शुरुआत के आधे घंटे में देश और दुनिया की खबरें देखेंगे, बाकी शेष 1 घंटे में आप मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। आपके लिए प्रयास सत्यादि शर्मा संस्थान 1.5 घंटे के लिए अब डेली करने वाला है। 1.5 घंटे आपको ये क्लास मिल रही है। सर, आता तो कुछ नहीं पर अच्छी लगी है क्लास, धन्यवाद अजय। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आपको समझ में आने लगेगा, आपको बजट भी एक दिन ऐसा लगेगा कि हाँ हमको समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि आपकी क्लास अब डेली शाम को 3:30 से 5 बजे तक रहेगी। इस 5 बजे तक जो क्लास में 1.5 घंटा आपके लिए मैं लेकर आया हूं, आधा घंटा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और शेष 1 घंटा आपके लिए 4 से 5 मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर जी, MPPSC की फिश कितनी है प्लीज सर बता दीजिए। इसके लिए आप एक काम कीजिए, संस्थान का जो मोबाइल नंबर है या टेलीफोन नंबर है उस पर फोन लगाइए और पता कीजिए कि वहां पर फीस कितनी रखी गई है। मैं यहां पर आपको फीस नहीं बता सकता हूं, ठीक है ना। तो बाकी जानकारी आप संस्थान के टेलीफोन नंबर पर ले सकते हैं। मैं आज आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत फरवरी 2021 की कुछ घटनाएं पढ़ाऊंगा, फरवरी 2021 में क्या क्या घटा है। लेकिन कल से आपको मैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा। कल शाम 3:30 से 5 बजे के बीच आपके 1.5 घंटे क्लास में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाया जाएगा। चलिए, फरवरी 2021 की क्या खबरें हैं देखिए। सबसे पहली खबर फरवरी 2021 की, आज फरवरी 2021 की जो खबर बन रही है वो ये है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आप जानते हैं इंग्लैंड की या कहें ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी की एक डिक्शनरी होती है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ल्ड के लिए नहीं, हिंदी का, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना है तो आत्मनिर्भरता को चुना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने या ऑक्सफोर्ड नाम के विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना है तो आपको उत्तर देना है आत्मनिर्भरता शब्द को चुना है। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड ने किसको चुना है, आत्मनिर्भरता शब्द को चुना है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटियां देश दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय हैं, उनमें से एक यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस साल, यानी कि पिछले साल के लिए 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना है, आत्मनिर्भरता को चुना है। ये बात क्लियर है। अगली खबर पर आते हैं, छोटी सी खबर दी है, ये रही अगली खबर। भव्या लाल, डॉक्टर भव्या लाल,
डॉक्टर भैयालाल कौन है बताता हूँ। भारतवंशी यानी भारतीय मूल की, भारतवंश की या भारतीय मूल की भव्यालाल को, डॉक्टर भव्यालाल को 1 फरवरी 2021 को नासा की कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया। किनको नासा की कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, याद रखिए, कार्यकारी प्रमुख यानी कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, भव्यालाल को, यानी कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम नासा है, नेशनल एरोस्पेस, नेशनल एरोस्पेस, नासा का मतलब बता रहा हूं, नेशनल एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी, नेशनल एरोस्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नासा, नासा का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल एरोस्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि NASA, नासा, नासा अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख हाल ही में किसको चुना गया है, डॉक्टर भव्या लाल को चुना गया है। सर ये नासा जो है ये कहां पर है, तो अमेरिका देश के एक शहर का नाम है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी भी है, यहां पर नासा का मुख्यालय है, यहां पर नासा का मुख्यालय है, कहां पर, वाशिंगटन DC में। और दूसरी बात सर, ये नासा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में, अक्टूबर 1958 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में, अमेरिका के अंतरिक्ष क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम नासा है, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल एरोस्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का पूरा नाम है। और नासा की कार्यकारी प्रमुख किसको चुना गया है, भव्या लाल, जबकि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो उसका नाम है भैया इसरो। इसरो जो है ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है सर, तो मुख्यालय भैया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। सर इसरो के मुख्यालय बेंगलुरु में है, लेकिन इसरो की स्थापना कब हुई, तो 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी कर्नाटक के बेंगलुरु में। सर इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष का नाम है के सिवन, इसरो के अध्यक्ष है। और सर इसरो साल 2021 में कौन सा यान अंतरिक्ष में छोड़ने वाला है, तो गगनयान, दिसंबर 2021 में गगनयान अंतरिक्ष के लिए इसरो छोड़ने वाला है। बात क्लियर है। 15 अगस्त 1969 एक स्टूडेंट लिख रहे हैं, कश्यप काजल, 15 अगस्त 1969 बता रहे हैं, बिल्कुल कश्यप आप सही कह रहे हैं, 15 अगस्त 1969 को जब देश की प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, इसरो की स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं, उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसरो की स्थापना बेंगलुरु में करवाई थी 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो के सिवान हैं, के सिवान वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और नासा की जो कार्यकारी प्रमुख है वो वर्तमान में डॉक्टर भव्यालाल, किसने सोचा था बताइए, किसने सोचा था कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का अध्यक्ष एक भारतीय होने वाला है, किसने सोचा था कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अध्यक्ष एक भारतीय होने वाला है, और वो भी एक महिला होने वाली है। आपको एक कमाल की चीज बताऊं कि अभी तक हमारे इसरो में अब तक कोई भी महिला वैज्ञानिक अध्यक्ष नहीं बनी है, इसरो में आज तक कोई महिला वैज्ञानिक अध्यक्ष नहीं बनी है, लेकिन अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने,
अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वो कमाल कर दिखाया है जिससे देखकर भारत की महिलाओं को गौरव के क्षण महसूस होंगे, गौरव की अनुभूति होगी, गर्व की अनुभूति होगी। भारत की महिलाएं के साथ साथ भारत की लड़कियां, भारत की बच्चियां जो अभी तैयारी कर रही हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रिसर्च कर रही हैं, या फिर जो महिलाएं कांस्टेबल, एसआई, पीएससी या फिर यूपीएससी निकालना चाहती, उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अमेरिका की नासा की जो प्रमुख है वो डॉक्टर भव्या लाल बन चुकी है, कार्यकारी प्रमुख बन चुकी है। बात क्लियर है? तो अगर आप मेरी बात को समझ चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं फरवरी माह की। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो स्टूडेंट अभी मुझसे नहीं जुड़ पाए थे उनको मैं सूचना देना चाहता हूं कि कल से आपकी क्लास डेली आपकी क्लास 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगी, जिसमें मैं आपको शुरुआत के आधे घंटे में देश और दुनिया की खबरें बताऊंगा और बाद के एक घंटे में यानी 4 से 5 के बीच मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। बात क्लियर है? तो आप आते हैं भव्या लाल के बाद में अगली खबर, एरो इंडिया 2021। अगर आपसे पूछा जाए कि एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां हो रहा है तो आपको उत्तर देना है बेंगलुरु में हो रहा है। एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां हो रहा है तो एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में हो रहा है। बेंगलुरु कहां है तो कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। सर ये एरो इंडिया 2021 कब से शुरू हो रहा है तो 3 फरवरी 2021 से शुरू हुआ, 3 फरवरी मतलब कल से शुरू हुआ और 5 फरवरी को ये खत्म होने वाला है। 5 फरवरी यानी कि कल ये समाप्त हो जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एरो इंडिया 2021 का आयोजन कब शुरू हुआ तो 3 फरवरी को हुआ, समापन कब हुआ 5 फरवरी को यानी कि कल होने वाला है। और आपको यह बता दूं कि इसका उद्घाटन, इस एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री जी जो है राजनाथ सिंह जी उन्होंने उद्घाटन किया। और इस सम्मेलन का या इस शो का समापन कौन करेंगे तो समापन करेंगे राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जो है ये इस सम्मेलन का समापन करेंगे, यानी कि उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और समापन करेंगे रामनाथ कोविंद जी। अब सवाल ये है सर कि ये जो एरो इंडिया 2021 है ये क्या है तो विश्व का पहला हाईटेक एयर शो है, विश्व का पहला हाईटेक एयर शो जहां पर दुनिया भर की विमान कंपनियां चाहे वो राफेल बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो तेजस विमान बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो MiG-21 बनाने वाली विमान कंपनी हो, चाहे वो बोइंग का विमान बनाने वाली कंपनी हो, जितनी भी दुनिया भर की विमान बनाने वाली कंपनियां हैं, लड़ाकू विमान बनाने वाली विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां, लड़ाकू विमान बनाने वाली दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और उसके साथ में ड्रोन बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां, ड्रोन हवा में उड़ने वाले लड़ाकू विमान और लड़ाकू ड्रोन बनाने वाली कंपनियां और जितने भी हवा में उड़ने वाले जहाज हैं बड़े बड़े उनको बनाने वाली कंपनियां यहां पर आएंगी और आकर के बताएंगे कि हमारे पास कैसे कैसे विमान हैं और भारत सरकार को ये बताएंगी कि क्या आप खरीदना चाहते हैं। भारत सरकार उनको देखेगी और भारत सरकार को अच्छा लगा तो भारत सरकार उन विमानों को खरीदने के लिए इन कंपनियों के साथ में सौदा करेगी, यानी कि सिग्नेचर करेगी। अब समझो जैसे आपने सुना होगा कि शहरों में मकान बेचने के लिए, प्लांट बेचने के लिए आवास मेला लगाया जाता है, गांव में पशुओं को बेचने के लिए पशु मेला लगाया जाता है, पशुओं के व्यापारी गांव में इकट्ठा होते हैं और अपने अपने पशुओं को बताते हैं कि मेरा पशु ऐसा है, हट्टा कट्टा है, मोटा है, इसको मैं बेचना चाहता हूं, बहुत दूध देता है, बहुत दही देता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि आवास मेले लगते हैं, फ्लैट बेचने के लिए, मकान बेचने के लिए, जमीन बेचने के लिए शहरों में आवास मेलों का आयोजन होता है और उसका वीडियो या अखबार में विज्ञापन भी होता है और वो अखबार में और वीडियो में बताया जाता है, फेसबुक पर बताया जाता है कहाँ की कॉलोनी में कितने प्लाट, कौन कौन बिल्डर जो है, कौन कौन भवन बनाने वाले जो निर्माण करता है वो बेचते हैं, ऐसा हमें वहां बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार पशु मेले की तरह
आवास मेले की तरह या अन्य किसी मेले की तरह यहाँ पर हवाई जहाजों का मेला लगेगा, लड़ाकू विमानों का मेला लगेगा और उसके बाद में लड़ाकू ड्रोन का मेला लगेगा। इसी को कहते हैं एयरो इंडिया 2021। बात क्लियर दोस्त? एयरो इंडिया 2021 में क्या होगा? यहां पर बड़ी बड़ी विमान कंपनियां अपना विमान लेकर आएंगी और बताएंगी, देखो हमारे पास कितना बढ़िया विमान है, क्या खरीदोगे? तो भारत सरकार को अगर वो जम गया तो वो भारत सरकार विमान खरीद लेगी। बात समझ में आ रही है? ये शो कहां पर हो रहा है? तो ये शो कहां पर हो रहा है, देखो ये फोटो भी वैसा ही है, फोटो भी कैसा है जैसे कोई विमान उड़ाया जा रहा हो, लड़ाकू विमान। तो ये यहां पर होगा। अब सवाल ये कि सर ये जो एयर शो है या एयरो इंडिया 2021 है, इसका आयोजन पहली बार कब हुआ था? तो भैया इसका आयोजन पहली बार जो है वो पहली बार 2021 में ही हो रहा है और इसके पहले 2017 में हुआ था, 2017 में भी हुआ था, लेकिन ये विश्व का पहला हाईटेक एयर शो है। हाईटेक वाला तो 2021 में, लेकिन इसके पहले पहली बार 2017 में हुआ था। बात क्लियर है? स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, अंकिता कुछ पढ़ लो। हाँ पढ़ लेगी अंकिता, छावनी बाजार का मेला लगा देंगे, हाँ ठीक है। अजय चौहान लिख रहे हैं यस सर, आरती मेवाड़ा ओके सर। जय सुरेश लिख रहे हैं क्लियर। मुस्कान खान जी सर लिख रही है, तो आप सभी का धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं एयरो इंडिया 2021 के बाद अगली खबर। पानी की व्यवस्था करें संतोष। रेवन एक्स अमेरिकी कंपनी का नाम क्या है? एवम। जैसे आपने सुना होगा एक अमेरिका कंपनी का नाम स्पेस एक्स भी है, याद है आपको? स्पेस एक्स के बारे में सुना है हमने। ये स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो आपने सुना होगा एलन मस्क की कंपनी का नाम स्पेस एक्स है। इसी तरह अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है एवम नाम की एक अमेरिकी कंपनी है। जैसे अपने यहाँ रिलायंस है, टाटा है, वैसे अमेरिका की एक कंपनी एवम। उस कंपनी ने अभी क्या किया, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन। ड्रोन समझते हैं? आसमान में आपने ड्रोन देखे होंगे छोटे छोटे। आपने अगर आपके घर में कभी कहीं शादी वगैरह अटेंड की है या किसी के यहाँ शादी में गए होंगे तो आपने एक ऊपर हवा में एक ऐसा फोटोग्राफी करने के लिए एक हवा में ड्रोन उड़ते हुए देखा होगा, जैसे हेलीकॉप्टर जो है जैसे फोटोग्राफी कर रहा हो। तो इसी तरह वीडियोग्राफी करने के लिए ड्रोन होते हैं, लड़ाई करने के लिए ड्रोन होते हैं, किसी का गुपचुप तरीके से फोटो खींचने के लिए लोग गलत तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अमेरिकी कंपनी एवम ने, कंपनी का नाम क्या है? एवम ने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन रेवन एक्स बना लिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि वो कौन सी अमेरिकी कंपनी है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन बनाया है तो आपको उत्तर देना है एवम ने बनाया है। एवम नाम की अमेरिकी कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन बनाया है और ड्रोन का नाम इस कंपनी ने क्या रखा है? तो रेवन एक्स रखा है। इस ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? रेवन एक्स नाम का ड्रोन बनाया है। अगर आप इसे चाहें तो इसे न्यूज में भी देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन कौन सा है तो आपको उत्तर देना है रेवन एक्स है। किसने बनाया है? अमेरिका कंपनी एवम ने बनाया है, अमेरिका की कंपनी एवम ने बनाया है। और आपको मैं बता दूं ये ड्रोन की खबर इतनी है, अगली खबर क्या है वो देखिए। शाजापुर जिला, कौन सा जिला? शाजापुर। उज्जैन संभाग के 7 जिलों में, कौन से संभाग में? मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन संभाग, कौन सा संभाग? मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन संभाग के जो 7 जिले हैं, उज्जैन संभाग के 7 जिले। अब कौन कौन से 7 जिले हैं उज्जैन संभाग के? आप जानते हैं, एक तो है खुद उज्जैन है। दूसरा कौन है? तो उज्जैन के बगल में अगर आप देखेंगे तो वहीं मिलेगा आपको रतलाम के बगल में आप देखेंगे तो मंदसौर और नीमच भी मिल जाएंगे। आपको याद आ रहे होंगे मंदसौर और नीमच, चौथा नीमच हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पांचवा मिलेगा आपको उज्जैन के बगल में शाजापुर, और छठा मिलेगा आपको आगर मालवा, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आगर मालवा के बाद मिलेगा आपको देवास। इस तरह से उज्जैन संभाग के कितने जिले? 7 जिले, टोटल 7 जिले। उसमें से एक जिला कौन?
शाजापुर, शाजापुर मालवा के पठार में स्थित है। उज्जैन संभाग के 7 जिलों में से एक जिला जो कि शाजापुर है, मालवा के पठार में स्थित है। और इस मालवा के पठार में स्थित जिले में एक बड़ी घटना घट गई है। वो घटना क्या है तो देखिए कौन सी घटना घट गई है। मालवा के पठार में स्थित एक जिला है जिसका नाम शाजापुर है, और इस शाजापुर जिले से एक बड़ा नेशनल हाईवे निकलता है जिसका नाम है NH-52। शाजापुर जिले के शाजापुर शहर से, शाजापुर जिले के शाजापुर शहर से एक नेशनल हाईवे निकलता है जिसका नाम है NH-52, NH-52। तो इस शहर में एक बड़ी घटना घट गई है, इस जिले में एक बड़ी घटना क्या घट गई है बताता हूं। मध्य प्रदेश का शाजापुर जिला, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, शाजापुर जिला, मध्य प्रदेश का कौन सा, शाजापुर जिला किन्नरों को, किन्नरों को हमारे यहां तीसरे लिंग का दर्जा दिया गया है। तीसरा लिंग मतलब यह है कि ट्रांसजेंडर के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है अंग्रेजी में, ट्रांसजेंडर। किन्नर को क्या कहा जाता है, ट्रांसजेंडर। तो मध्य प्रदेश का शाजापुर जिला किन्नरों को पहचान देने वाला देश का पहला जिला बन गया है। शाजापुर जिला देश का पहला जिला बन गया है जो किन्नरों को उनकी पहचान देगा। तो सर हमने कहीं एक बार कहीं पढ़ा था कि केरल देश का पहला राज्य है जिसने किन्नरों को सामाजिक न्याय देने के लिए पहचान पत्र प्रदान किया था। बिल्कुल सही, देश का पहला राज्य जिसने अपने यहाँ किन्नरों के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना किया, ट्रांसजेंडर विभाग बनाया और उनको पहचान पत्र दिए, वो केरल है। लेकिन देश का पहला जिला जिसने केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार किन्नरों को पहचान पत्र प्रदान किया, तो देश का पहला जिला बना शाजापुर। बात क्लियर है, शाजापुर देश का पहला जिला बन गया है जिसने ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र या पहचान देने के लिए काम किया है। यह मैंने आपको एक जगह पढ़ाया था। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि शाजापुर जिला जो है, शाजापुर जिला जो है, ये जिला अपने एक प्रसिद्ध मेले के लिए जाना जाता है। शाजापुर जिले में एक प्रसिद्ध मेला लगता है जो मध्य प्रदेश के शाजापुर के रहने वाले स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि वो कौन सा मेला है, मुझे नाम बताएं। मध्य प्रदेश के वो स्टूडेंट जो शाजापुर के आसपास रहते हैं वो उस मेले का नाम मुझे बताएं जो शाजापुर में लगता है। और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि वो मेला मार्च के आसपास ही लगता है, मार्च महीने के आसपास। तो कोई बताएगा कि वो शाजापुर का कौन सा मेला है जो मार्च महीने के आसपास लगता है, और या फिर एक मेला अक्टूबर में भी लगता है, प्रसिद्ध मेला है शाजापुर का, शाजापुर का प्रसिद्ध मेला मुझे बताइए कौन सा है। अगर आप बता देंगे तो समझ जाऊंगा कि आप एग्जाम में निकलने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप बता देते हैं तो मैं कमेंट देख लूंगा। आ गया कमेंट, आ गया पवन दांगी, गरीबनाथ का मेला, बहुत बढ़िया पवन, गरीबनाथ। पूजा दांगी भी लिख रही है गरीबनाथ का मेला, गरीबनाथ का मेला शाजापुर में लगता है। ये भैया गरीबनाथ का जो मेला है ये शाजापुर में लगता है, आपको रजत सर ने बताया होगा गरीबनाथ। बहुत बढ़िया, संदीप अहिरवार, रचना अहिरवार, आरएस कटारे, संगीता मोरे, पदम देहरिया, गोविंद सिंह राजपूत, राजा राम दांगी, अंतिमा पटेल, ये सभी कह रहे हैं संतोष कुमार, अयोधेश घोषी, मयंक दीक्षित, मुस्कान खान, रचना अहिरवार, इस तरह से सभी स्टूडेंट बता रहे हैं, मोहित जैन। हाँ, एक चंडी मैया का मेला भी लगता है, यही मैं कह रहा था, अक्टूबर माह में चंडी का मेला, चंडी माँ का मेला भी लगता है अक्टूबर में जब नवरात्र आते हैं। तो गरीबनाथ का सभी स्टूडेंट उत्तर दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पानी पी लीजिए, मैं भी पी लेता हूं, जल ग्रहण कीजिए। आगे बात करते हैं, आगे क्या बात है, आगे बात यह है दोस्तों कि कोई बात नहीं है, सब बात ही बात है। अब आते हैं लोअर अरुण पन बिजली परियोजना, लोअर अरुण पन बिजली परियोजना, लोअर अरुण पन बिजली परियोजना। तो सर पन बिजली क्या होता है, पन बिजली मतलब होता है हाइड्रो पावर, यानी कि पानी से बिजली बनाना, जल से बिजली बनाने को कहते हैं पन बिजली निर्माण, यानी हाइड्रो पावर। सर ये लोअर अरुण पन बिजली परियोजना यानी कि जो लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये किस देश में है, नेपाल में। नेपाल में, भारत का पड़ोसी देश आपको पता है नेपाल, आप जानते हैं भारत का एक पड़ोसी देश है नेपाल, और
भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि भारत के उत्तर दिशा में आप जानते हैं नेपाल नाम का एक देश है, और वो नेपाल नाम का देश कहाँ है तो मैं आपको बताता हूँ। नेपाल नाम का देश ये यहाँ है, ऊपर हिमालय की गोद में बसा हुआ नेपाल, ठीक है ना। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, और इसी नेपाल में एक पनबिजली परियोजना जिसका नाम है लोअर अरुण पनबिजली परियोजना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोअर अरुण पनबिजली परियोजना किस देश की है, तो नेपाल की है। अब नेपाल की सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए, इस परियोजना का निर्माण करने के लिए, इस परियोजना के लिए बांध वगैरह बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी को ठेका दिया है, तो 680 में एक कम 679 मेगावाट क्षमता वाली लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका मतलब टेंडर, अंग्रेजी में कहते हैं टेंडर, नेपाल सरकार ने भारत की किस कंपनी को दे दिया है, या किस लिमिटेड को, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दे दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में नेपाल सरकार ने अपनी मतलब उसकी खुद की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका किस भारतीय कंपनी को दिया है, तो उत्तर देना है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सतलुज वाटर हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यह ठेका मिल चुका है, और ये नेपाल ने दिया। और नेपाल सरकार ने जो ये ठेका दिया है ये सतलुज निगम को दिया है, लेकिन ये ठेका कितनी बिजली का निर्माण के लिए है, 679, यानी कि यहां पर इस परियोजना से इतनी बिजली बनेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको याद होगा कि मई 2020 में नेपाल ने भारत से अपने रिश्ते खराब करते हुए एक विवाद को जन्म दिया था जिसका नाम है काला पानी विवाद। आपको याद है काला पानी विवाद और लिपुलेख दर्रे को लेकर के नेपाल ने दावा किया कि ये तो हमारे हैं। काला पानी और लिपुलेख दर्रे आप जानते हैं कहां पर है, काला पानी क्षेत्र और लिपुलेख दर्रा आप जानते हैं भारत के उत्तराखंड राज्य में है, लेकिन नेपाल ने मई माह में यह दावा किया कि ये दोनों तो नेपाली क्षेत्र हैं और हमारे रिश्ते नेपाल से बिगड़ चुके थे। उसके बाद नेपाल में काफी कुछ उठापटक हुई और वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद उनको उनकी पार्टी के लोगों ने भी अपनी पार्टी से निकाल दिया। यानी केपी शर्मा ओली को ना सिर्फ प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया बल्कि नेपाल की जिस पार्टी से वो संबंध रखते थे उस राजनीतिक दल ने उनको पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि नेपाल से अब हमारे रिश्ते वापस सुधरने लगे हैं, इसलिए जब बोली लगी तो नेपाल की सरकार ने भारत सरकार की इस कंपनी को ठेका दिया। नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो मैं आपको बता दूं नेपाल के साथ भारत की सीमा 1761 किलोमीटर लगती है। नेपाल के साथ में भारत की जो सीमा लगती है वो 1761 किलोमीटर लगती, कितनी 1761। नेपाल और भारत के बीच की सीमा कितनी है, भारत और नेपाल के बीच की सीमा टोटल 1761 किलोमीटर है। सर कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं भारत के, तो भारत के पांच राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। सर कौन कौन से पांच है ये, तो एक तो है उत्तराखंड, एक है उत्तर प्रदेश, बड़ा भाई उत्तर प्रदेश योगी जी का, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में सर बिहार अपने चाचा जी सुशासन बाबू नीतीश कुमार बिहार के सीएम, या उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम है। और मैं आपको बता दूं कि इस साल उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ का मेला या सिंहस्थ लगने वाला है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2021 में सिंहस्थ मेले का आयोजन होने वाला है। उत्तराखंड के एक शहर हरिद्वार में सिंहस्थ मेले का आयोजन होने वाला है, क्योंकि वहां से गंगा नदी बहती है और ऐसा कहा जाता है कि जब अमृत मंथन हो रहा था तो गंगा में कुछ बूंदे अमृत की गिरी थी और वह हरिद्वार में भी गिरी थी, तो उत्तराखंड में मेला लगेगा। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद सुशासन बाबू नीतीश कुमार जहां के मुख्यमंत्री, वो बिहार के बाद दीदी का पश्चिम बंगाल, हमारी ममता दीदी, हमारी सबकी बड़ी दीदी जो बार बार बात बात में लोगों को डांटती रहती है, पश्चिम बंगाल की दीदी ममता दीदी का राज्य, ये भी नेपाल से सीमा बनाता है। और उसके बाद हमारा छोटा सा बेटा, प्यारा सा बेटा गोलू मोलू, सिक्किम,
सिक्किम भी हमारे नेपाल के साथ सीमा बनाता है। सृष्टि गोस्वामी एक दिन की सीएम बनी, हाँ बन गई, वो तो नायक फिल्म की तरह बन गई सृष्टि गोस्वामी, और बनती रहेगी, वो तो देखेंगे बाद में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। 1761 किलोमीटर की दोनों तरफ से सीमा बनती है। एक और चीज, एक लड़का या इस लड़की लिख रही है पूजा दांगी, बांग्लादेश से 4096, बिल्कुल सही, बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से सीमा बनती 4096, जो कि सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096, जबकि अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा, यानी सबसे छोटी सीमा बनती है अफगानिस्तान के साथ। बात क्लियर है? चलिए अब मैं आपको सतलज नदी के बारे में बताता हूं। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी कहां से निकलती है तो मैं आपको बताता हूं। सतलज नदी जो है वो तिब्बत में, यानी कि चीन में एक जगह है जिसका नाम है राकसताल। राकसताल नाम की जगह से, यानी कि तिब्बत से, कहां से दोस्तों? राकसताल यानी कि तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है मेरे दोस्त? सतलज नदी निकलती। कहां से? कहां से निकलती है मेरे दोस्त? कहां से निकलती है? तो सतलज नदी निकलती है राकसताल तिब्बत से। निकली यहां से, मान लीजिए यहां से नदी निकल गई है। कहां से निकल गई है? नदी निकल गई है मेरे दोस्त यहां से। चलो कौन सा रंग ले? नीला ले लेते हैं। ये नदी यहां से राकसताल से तिब्बत से निकली। यहां से निकलने के बाद ये कहां जाएगी? तो ये उत्तराखंड नहीं जाएगी बल्कि हिमाचल प्रदेश जाएगी। सतलज नदी राकसताल यानी तिब्बत से निकली और फिर हिमाचल प्रदेश में इंटर किया। हिमाचल प्रदेश से ये नीचे गई और फिर उसके बाद पंजाब में चली गई। कहां चली गई मेरे दोस्त? पंजाब में। पंजाब में जाने के बाद ये पाकिस्तान में चली गई। कहां चली गई? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जब गई तो ऊपर से एक नदी और आ रही थी कश्मीर से होकर, जिसका नाम है चिनाब। चिनाब नदी में जाकर के ये मिल गई। चिनाब नदी में जाकर मीठनकोट नाम के स्थान पर जाकर मिल गई। इस प्रकार सतलज नदी कितने देशों से बहती है? तो सतलज नदी सिक्किम, एक स्टूडेंट कह रहा है सर सिक्किम के बारे में कुछ बताइए, बताता हूँ थोड़ी देर बाद सिक्किम के बारे में कुछ बताता हूँ, ठीक है ना। तो पहले बात सुनो, सतलज नदी कहाँ कहाँ से बहती है? तो एक तो निकलती है तिब्बत से यानी कि चीन से। कितने देशों से सतलज नदी बहती है? चीन से, भारत से और पाकिस्तान से। उद्गम कहां से होता है? राकसताल यानी कि तिब्बत से। तिब्बत कहां है? चीन में है। इसके बाद सतलज नदी भारत के किन दो राज्यों से बहती है? तो भारत के दो राज्य हैं जो सतलज के क्षेत्र में पड़ते हैं, हिमाचल और एक पंजाब। भारत के दो राज्य जो हैं इनके, इनसे होकर सतलज नदी बहती, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर कौन सी नदी से मिलती है? चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। तो सर फिर टोटल लंबाई राकसताल से लेकर मीठनकोट तक सतलज की टोटल लंबाई 1450 किलोमीटर है। सतलज की टोटल लंबाई तिब्बत से लेकर पाकिस्तान तक 1450 किलोमीटर है। कितनी है? 1450। एक स्टूडेंट लिख रहा है सर सतलज तो सिंधु में मिलती है ना, पाकिस्तान में मीठनकोट में। गलत भैया, गलत। सतलज सिंधु में नहीं मिलती है। सतलज सिंधु में नहीं मिलती है, वास्तव में सतलज चिनाब में मिलती है और चिनाब सिंधु में मिलती है। ये जो चिनाब है ना, ये फिर सिंधु में मिलती आगे जाकर। एक किलोमीटर पहले ही सतलज नदी चिनाब में घुस जाती है और चिनाब जो है वो सिंधु में मिलती है। दोनों जगह ज्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर के अंतर से काम हो जाता है। याद रखें, सतलज सिंधु में नहीं मिलती है बल्कि चिनाब वास्तव में सिंधु में मिलती है। कंफ्यूजन दूर कर लें। बात क्लियर है? अब एक और बात पूजा दांगी भी समझ गए होंगे कि सतलज चिनाब मिलती है और चिनाब सिंधु में मिलती है। एग्जैक्टली अगर बात समझ में आ गई हो तो मैं ये बताने जा रहा था कि टोटल सतलज की लंबाई तिब्बत से लेकर कहां तक? पाकिस्तान तक 1450 किलोमीटर है। लगभग कहा है? लगभग, थोड़ा बहुत 10-12 किलोमीटर का अंतर भी हो सकता है, लेकिन भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर। सतलज की भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर। और सतलज की एक प्रमुख सहायक नदी का नाम व्यास है। सतलज की एक प्रमुख सहायक नदी कौन है? व्यास है। सतलज की एक प्रमुख सहायक नदी का नाम व्यास है। क्या है? व्यास। और व्यास जल नदी जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश से निकलती है
और हिमाचल प्रदेश से हरियाणा फलाना ढिकाना के आसपास से बहते हुए और अंततः पंजाब बॉर्डर के यहाँ सतलज से मिल जाती है। तो धन्य हो सतलज देवी की, और आप सभी की भी धन्य हो, आप सभी इतने महापुरुष लोग मुझे यहाँ मिले हैं, ठीक है ना। एक और बात कि ये तो सतलज की बात हो गई, एक स्टूडेंट पूछा रहा था सिक्किम के बारे में बताइए। मैं सिक्किम घूमने गया था, मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि सिक्किम में एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत शहर है जिसका नाम है गंगटोक। इसी सिक्किम से एक बेहतरीन नदी होकर बहती है जिसका नाम है तिस्ता। इसी सिक्किम में एक बड़ा बेहतरीन पर्वत है जिसका नाम है कंचनजंगा। इसी सिक्किम में एक बहुत बेहतरीन झील है जिसका नाम है गुरु डोंगमार झील। इसी सिक्किम में दो दर्रे हैं जिनका नाम है नाथुला और जेलेपला। ये दर्रे सिक्किम में है, और इसी सिक्किम में एक खास बात यह है कि ये सिक्किम जो है ये तीन तरफ से विदेशी देशों से घिरा है। उत्तर में चीन, पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल से घिरा है, और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से लगता है। यह सिक्किम जो है वृहद हिमालय में पड़ता है, और पूरा का पूरा सिक्किम बर्फीला क्षेत्र है। इस सिक्किम में रेड भालू मिलते हैं, रेड पांडा मिलता है, लाल कलर के भालू और लाल कलर का पांडा, लाल पांडा और लाल भालू मिलते हैं, बर्फीला चीता मिलता है। और इस सिक्किम में खास बात यह है कि सिक्किम के लोग बड़े प्यारे होते हैं, मतलब बहुत बहुत ही सुलझे हुए लोग होते हैं, ज़्यादा चपर चपर मेरी और आपकी तरह नहीं करते, साफ सुथरी बात करते हैं। बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो जय राम जी की। बहुत ही प्यारा जगह है सिक्किम, बहुत ही बेहतरीन। और मैं अकेला नहीं बल्कि पूरी सत्यादि शर्मा संस्थान की टीम घूमने के लिए सिक्किम गई थी और सिक्किम होकर आई थी। गंगटोक वहां की राजधानी है, बड़ा बेहतरीन जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोअर अरुण पनबिजली परियोजना के बाद रणजी ट्रॉफी। और क्या खबर है रणजी ट्रॉफी के बारे में? वर्ष 2021 में यानी इस साल आईपीएल के कारण, किसके कारण? आईपीएल के कारण। आपको याद होगा आईपीएल के कारण पिछली बार या पिछले साल 2020 विश्व कप को रद्द कर दिया आईसीसी ने। मतलब आईपीएल इतनी बड़ी चीज हो गई है कि जिसके चक्कर में आईसीसी का T20 विश्व कप भी रद्द कर दिया गया। इसी आईपीएल के कारण इस साल, क्योंकि आप जानते हैं आईपीएल कब होता है, आईपीएल होता है मार्च अप्रैल मई के आसपास। तो आईपीएल इतना जरूरी है कि भले ही रणजी का मैच ना हो पाए चलेगा, यानी आईपीएल के लिए रणजी ट्रॉफी अगर नहीं होगी तो चलेगा। 10 साल पहले आए हुए आईपीएल के कारण, 10 साल पहले आए आईपीएल 2008-09 में आए हुए आईपीएल के कारण 1934 से चली आ रही 1934 से चली आ रही रणजी ट्रॉफी, जो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर है रणजी ट्रॉफी, इसका आयोजन नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोरोना के कारण और आईपीएल के कारण, इंडियन प्रीमियर लीग के कारण किस ट्रॉफी के आयोजन को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है, तो रणजी ट्रॉफी के आयोजन को बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया है। और रणजी ट्रॉफी का आयोजन कब से हो रहा है? साल 1934 से हो रहा है। और सर रणजी ट्रॉफी का जो आयोजन 1934 से हो रहा है, तो आप हमें क्या ये बता सकते हैं कि इस रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो इस रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार मुंबई ने जीता है। मुंबई की रणजी टीम ने इस ट्रॉफी को 41 बार जीता है। रणजी ट्रॉफी का शुरुआत 1934 में हुआ था। इस ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार अब तक मुंबई ने जीता है, 41 बार। तो सर आखिरी बार कब हुई थी रणजी? तो आखिरी बार रणजी 2020 में हुई थी, पर वो पणजी में नहीं हुई थी, रणजी हुई थी पणजी में नहीं हुई थी। आखिरी बार 2020 में रणजी ट्रॉफी सर किसने जीती? तो गुजरात का एक टीम है सौराष्ट्र की रणजी टीम ने, सौराष्ट्र जो कि गुजरात का एक इलाका है, उसने ये जीता था। बीसीसीआई का चीफ कौन है, ऐसा एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं प्रेजेंट में, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में सौरव गांगुली है।
सौरव गांगुली जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष, जिन्हें हम बंगाल टाइगर या दादा के नाम से भी जानते हैं, कलकत्ता के रहने वाले सौरव गांगुली, जिन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम को पहुंचाया था। और आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका की बात है ये, दक्षिण अफ्रीका में 2003 में वर्ल्ड कप हुआ था 50-50, उसमें पहुंचाया था वही सौरव गांगुली जो भारतीय टीम के उस समय कप्तान थे, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और क्रिकेट कैप्टन गांगुली यानी कि दादा वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। तो सर अध्यक्ष अगर ये है तो सर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और बता देते तो क्या बिगड़ जाता। तो बता देता हूं, डॉक्टर राजीव शुक्ला कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला जी, और कांग्रेस की तरफ से कई बार सांसद बन चुके राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष हैं। तो सर फिर ये और बता दो कि सचिव कौन है, बीसीसीआई का सचिव कौन है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के बिल्कुल लायक बेटे, क्योंकि उनमें योग्यता इतनी ज्यादा थी कि उनको सचिव बनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे जो बहुत योग्य व्यक्ति थे, उनको योग्यता के आधार पर बीसीसीआई का सचिव बनाया गया, जिनका नाम है जय शाह जी। और जय शाह जी तो आप जानते हैं, अभी हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी बनाए गए। इसके बाद आपसे अगर ये पूछा जाए कि सर बीसीसीआई है, वो ये और बता दो कि इसके कोषाध्यक्ष कौन है? कोषाध्यक्ष का नाम भी दे देता हूं भैया, ताकि आपके मन में और कोई सवाल ना रहे। तो अरुण कुमार धूमल बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं। सर एक और चीज बताओगे क्या कि बीसीसीआई के सीईओ कौन है? तो बीसीसीआई के सीईओ हेमांग अमीन है, मिस्टर हेमांग अमीन जी बीसीसीआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, हेमांग अमीन। तो भैया कितने लोग ये हैं? इतने हैं, अध्यक्ष गांगुली, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, सचिव जैशा, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार धूमल और सीईओ हेमांग अमीन। और ये बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी का आयोजन इस साल नहीं कराएगा, क्योंकि इस साल आईपीएल होना है। मुंबई सबसे ज्यादा बार रणजी जीता है और पिछले साल 2020 में सौराष्ट्र जीता था, ये अपने को याद रखना है। और एक और चीज, अभी हाल ही में एक ट्रॉफी हुई थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और उसमें तमिलनाडु ने बड़ौदा को हरा करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 2009 में हुई थी और आईपीएल भी उसी साल से शुरू हुआ था। तो भैया ये सब चीजें अगर क्लियर हो गई हो तो मुख्यालय मुंबई के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और आगे बढ़ने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम, ये क्या है सर? अंग्रेजी में है भैया, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, भविष्य के लिए निवेश के पहल करने के लिए बनाया गया फोरम, भविष्य में निवेश की पहल करने के लिए इनिशिएटिव मतलब पहल करने के लिए बनाया गया मंच, फोरम मतलब मंच, भविष्य में निवेश की पहल करने के लिए बनाए गए मंच को अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम। और यहां क्या हुआ इस फोरम में या इस मंच में क्या हुआ बताता हूं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जिनका नाम डॉक्टर हर्षवर्धन है, भारत सरकार के केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्री जो है, जिनका नाम डॉक्टर हर्षवर्धन है, ठीक है ना, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ऑडियो कॉन्फ्रेंस नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के चौथे संस्करण को संबोधित किया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा कि भविष्य में निवेश के लिए की गई पहल के मंच को किसने संबोधित किया, तो हाल ही में संबोधित करने वाले हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने इस सम्मेलन के कौन से संस्करण को संबोधित किया, तो चौथे संस्करण को संबोधित किया, ये अपने को ध्यान रखना है। सर ये सम्मेलन जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सम्मेलन सर कहां हुआ था, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो ये सम्मेलन जो है ना भैया, कौन सा सम्मेलन,
ये जिसका मैं नाम ले रहा हूँ फ्यूचर इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम, ये सम्मेलन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियाद में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद पश्चिम एशिया का एक मरुस्थलीय देश जो तेल उत्पादन, कच्चे तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है, उस रियाद में, उसकी राजधानी रियाद में सम्मेलन हुआ था, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहायता से हमारे मंत्री जी ने संबोधित किया। अब सवाल ये है सर, क्लास कब से शुरू होती है? तो सवाल का उत्तर ये है कि हमारी क्लास शाम को 3:30 बजे से शाम को 3:30 से 5 बजे के बीच चलती है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। और ये करंट अफेयर्स जो है, इसमें देश और दुनिया की बातचीत के साथ साथ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को भी पढ़ाया जाता है। तो रियाद में सम्मेलन हुआ, ये आपको पता चला है। और ये सम्मेलन जो है सऊदी अरब का प्रमुख निवेश सम्मेलन है। सऊदी अरब का प्रमुख निवेश सम्मेलन कौन सा है? अगर हमारे मंत्री जी भाग ले रहे हैं, मतलब ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हमारा कोई मंत्री इसमें भाग ले रहा है तो समझ जाओ यहां से प्रश्न बनने की संभावना है, वरना हमें सऊदी अरब से कोई लेना देना नहीं है, फालतू की बात है सब। पर हमारे मंत्री जी भाग ले रहे हैं, इसलिए पूछा जा सकता है कि यह सम्मेलन कहां हुआ? रियाद में हुआ था। और यह सम्मेलन सऊदी अरब देश का सबसे बड़ा निवेश सम्मेलन है, इन्वेस्टमेंट सम्मेलन है, लिखा भी है इन्वेस्टमेंट सम्मेलन है। इसे डेजर्ट ऑफ सऊदी, डेजर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, डेजर्ट ऑफ दावोस। इसे डेजर्ट ऑफ दावोस के नाम से भी जाना जाता है। किस सम्मेलन को डेजर्ट ऑफ दावोस कहा जाता है? इस सम्मेलन को डेजर्ट ऑफ दावोस कहा जाता है। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के दावोस में भी ऐसा ही सम्मेलन हर साल होता है, जो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से किया जाता है। तो डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। डेजर्ट ऑफ दावोस मतलब दावोस नाम से जो रेगिस्तानी सम्मेलन होता है वो कहां होता है? रियाद में होता है। सर कब से सम्मेलन हो रहा है? तो साल 2017 से सम्मेलन का शुरुआत हो रहा है। सर कल को अभिनेताओं और क्रिकेटरों के ट्वीट ट्रेंडिंग कर रहे थे, पर इनमें से कोई ऐसा बंदर नहीं था जो किसानों के लिए आवाज उठाए। अरे वो भैया सब उनको अपनी फिल्में चलानी, आप समझते हैं, अगर उनको आवाज उठानी होती एकदम से, जो कूदे हैं ना सारे के सारे, अगर इनको आवाज उठानी होती तो पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन के लिए आवाज उठा लेते। नहीं उठानी इनको, ये तभी बोलते हैं सारे फिल्म स्टार और क्रिकेटर जब इनको लगता है कि इनकी कोई सीरीज शुरू होने वाली है। जैसे आपको पता है कि हमारे क्रिकेटर जो है कल से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलने वाले हैं, कल से इंग्लैंड और भारत के बीच सीरीज शुरू होने वाली है, तो वो सिंपैथी लेना चाहते हैं कि देखो हम क्रिकेट खेलेंगे, उधर किसान जो है वो रोड पर बैठा रहेगा, इसलिए आप उन्हें मत देखो टीवी पर, उन किसानों को मत देखो टीवी पर, उनको वीडियो मत देखो टीवी पर, आप हमें देखो, क्योंकि हम सुबह सुबह क्रिकेट खेलेंगे 11 बजे से। इस बात के लिए भ्रमित करने के लिए काम किया गया है, ठीक है ना। दूसरी बात, फिल्मों के बारे में आप जानते हैं, पिछले 1 साल से मल्टीप्लेक्स बंद थे, पिछले 1 साल से सिनेमाघर बंद थे। मेरा खुद का व्यक्तिगत मत बता रहा हूं मैं, और मैं इस मत में किसी की राय नहीं ले रहा हूं, खुद की राय रख रहा हूं। आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन वो जो क्रिकेटर हैं, वो जो फिल्म के बनाने वाले अभिनेता हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हैं, आप जानते हैं पिछले 1 साल से बेरोजगार बैठे थे, पिछले 1 साल से वो फिल्में नहीं ला पा रहे थे, इधर उधर प्लेटफॉर्म पर, OTT पर, अमेजॉन पर, नेटफ्लिक्स पर अपनी फिल्में रिलीज कर रहे थे, बड़ी फिल्में एक की भी नहीं आई। लेकिन आप जानते हैं सिनेमाघर को भारत सरकार ने पूरी तरह से ओपन कर दिया है। सिनेमाघर को भारत सरकार ने अभी 4 दिन पहले पूरी क्षमता के साथ ओपन कर दिया, लेकिन शिक्षा को अभी भी पूरी क्षमता के साथ ओपन नहीं किया है। जबकि सिनेमाघर और स्विमिंग पूल पूरी क्षमता से ओपन हो चुके हैं। ये याद रखें कि इसीलिए उनको अपनी फिल्में दिखाने के लिए, उन सिनेमा घरों में फिल्मों को दिखाने के लिए और जनता को ये कहने के लिए कि आओ भैया हमारी फिल्में देखो और टिकट खरीद के देखो ताकि हमारी फिल्में हिट हो जाए, ये खड़े हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो भैया ये सब होता है। किसानों के साथ अगर खड़ा होना था इनको तो पिछले 3 महीने से कहां गए थे, लेकिन नहीं होना था, किसान के साथ इन्हें खड़ा नहीं होना था। तो अब बात यह है कि हाल ही में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहां कहां गए, यह आपको पता चल गया, किसको संबोधित किया यह पता चल गया। अब मैं आपको बता दूं कि सम्मेलन 2017 से हो रहा है, कहां पर? रियाद में हो रहा है, 2017
17 से। अब आते हैं अगली बात पर। आपने बात बहुत अच्छी खाई, अच्छी बात पर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं। देखो कौन सी खबर है, आपने चूंकि अच्छी बात कही है इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं। क्या खबर है सुनो, सिडनी स्थित, सिडनी कहां है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी ही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है मेरे दोस्त, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है जबकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है। कौन है, सिडनी है। तो ऑस्ट्रेलिया, मैं डरता नहीं हूं, एक बात और बता दूं, मैं किसी से नहीं डरता कि कौन क्या कहेगा और कौन क्या नहीं कहेगा, जो सही है उसके पक्ष में अगर मुझे ठीक लगता है तो मैं खड़ा होता हूं और उसकी बात भी करता हूं। माना कुछ लोग समझते होंगे कि मैं एक शिक्षक हूं, लेकिन शिक्षक होने के साथ साथ मैं एक मनुष्य भी हूं और सोचता और विचारता हूं, इसलिए मेरी बात रखने के लिए मुझे मंच अगर मिलेगा तो रखेंगे। आप अपना विचार, अपना मत अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन सिडनी यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है, सिडनी स्थित ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक, ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक यानी कि एक संस्था के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था के द्वारा, जैसे हमारे नीति आयोग नहीं होता है इसी तरह ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का एक तरह से नीति आयोग है, या यूं कहें ऑस्ट्रेलिया का एक प्रसिद्ध संस्था है, सिडनी स्थित ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा। कौन सा इंस्टीट्यूट, लोवी। अगर आपसे पूछा जाए कि लोवी इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहां है तो आपको उत्तर देना है सिडनी में है। लोवी संस्थान का मुख्यालय कहां है तो आपको उत्तर देना है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में है। और ये लोवी संस्थान क्या है, ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है, ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है। और आपको मैं बता दूं कि सिडनी स्थित ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लोवी संस्थान द्वारा 98 देशों के लिए, कितने देशों के लिए, 98 देशों के लिए, 98 देशों के लिए जारी कोविड 19 प्रदर्शन सूचकांक में, 98 देशों के लिए जारी कोविड 19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 86वां स्थान दिया गया। आपको कई बार ये न्यूज में सुनने को मिला होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको आपको कई बार न्यूज चैनल में, आपको कई बार लोगों के मुंह से, आपको कई बार सरकार के मंत्रियों के मुंह से, आपको कई बार सरकार के अधिकारियों के मुंह से, कई बार सरकार के कर्मचारियों के मुंह से, कई बार अखबारों में यह पढ़ने और सुनने को मिला होगा कि भारत सरकार ने कोरोना पर बहुत प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया है। ये आपने कई जगह सुना होगा, हमारी सरकार कहती है, हमारी सरकार के अधिकारी कहते हैं, हमारी सरकार के साथ साथ मीडिया न्यूज़पेपर हमें बताते हैं कि हमारी सरकार ने कोरोना का प्रबंधन, कोरोना का मैनेजमेंट, कोरोना पर नियंत्रण बहुत अच्छे से किया है। लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि कोरोना पर नियंत्रण के मामले में, कोविड 19 के प्रदर्शन के मामले में हम दुनिया के 98 देशों में 86वें नंबर पर हैं। कौन से नंबर पर, 86वें नंबर पर है हम, 86वें नंबर पर। 98 देशों की सूची जब बनाई गई तो प्रदर्शन के मामले में हम, कोरोना से निपटने के मामले में हम 86वें नंबर पे हैं। तो सर अगर आप हमें ये बता दें कि पहले नंबर पर कौन है तो मजा आ जाएगा कि कोरोना से सबसे अच्छे से कौन सा देश निपटा है, किस देश ने कोरोना से निपटने में सबसे अच्छा तरीके अपनाए हैं या सबसे अच्छा काम किया है। तो मैं आपको बताता हूं, पहले नंबर पर है न्यूजीलैंड। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, पहले पर कौन है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सबसे अच्छे से निपटा है, किससे, कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस से सबसे बढ़िया तरीके से यदि कोई देश निपटा है, जिसने कोरोना से निपटने में सबसे अच्छा काम किया है, अपनी हेल्थ सुविधाओं को तरीके से लोगों तक पहुंचाया है और सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है, तो वो न्यूजीलैंड है। अब आप कहेंगे सर आबादी कम है, अरे रुको, थोड़ा सब्र रखो, आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि सर न्यूजीलैंड में तो जरा सी आबादी है, छोटा सा देश है तो ये तो आना ही था। सब्र रखो, सब बताऊंगा। न्यूजीलैंड पहले पर है, वियतनाम दूसरे पर है। अब ये भी कहेंगे सर ये भी छोटा है, लेकिन जनसंख्या तो बहुत है, देश छोटा है लेकिन घनत्व ज्यादा है जनसंख्या का। वियतनाम दूसरा, और तीसरा नाम है मेरे दोस्त ताइवान, तीसरा नाम है मेरे दोस्त
ताइवान, चीन का पड़ोसी देश ताइवान, ये भी कोरोना से बहुत अच्छे से निपटा है। तो सर सबसे आखिरी पर कौन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो सबसे आखिरी पर मैं बताता हूं आपको कौन है। 98वें नंबर पर है ब्राजील। 98वें नंबर पर कौन है, 98 पर है ब्राजील। सबसे खराब तरीके से कोरोना से निपटने वाला देश ब्राजील है। कौन है, ब्राजील है। जबकि अमेरिका सर, अमेरिका सर 94 पर है। अमेरिका इस लिस्ट में 94 पर है। और कमाल की बात है सर, इसमें ये और बता दो कि चीन कहां पर है, तो चीन को इस सूची में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि चीन ने तो ऐसी हरकत की कि आंकड़े ही नहीं दिए। चीन ने अपने यहाँ के कोरोना के आंकड़े इस संस्था को देने से मना कर दिया और इस संस्था के लोगों को चीन में घुसने से भी मना कर दिया, इसलिए चीन को इस सूची में शामिल ही नहीं किया गया। यह बदतर लड़का, यह बदतमीज लड़का कौन था जिसे सूची में ले लिया, चीन था। एक और चीज आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर पाकिस्तान कहाँ है इस सूची में, पाकिस्तान कौन से नंबर पर है, तो बताता हूं मेरे मित्र पाकिस्तान कहां है। सबसे पहले बात श्रीलंका की, श्रीलंका इस सूची में 10वें नंबर पर है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका 10वां। उसके बाद मालदीव जो हमारे अरब सागर के किनारे स्थित है 25, मालदीव का नंबर 25। और पाकिस्तान का नंबर अब आने वाला है, पाकिस्तान जो है वो है 69। पाकिस्तान ने कोरोना से निपटने के मामले में 69वीं रैंक हासिल की। देखिए आप, ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में मई माह में जब लॉकडाउन लगा था तो बार बार ये कहा जा रहा था कि इमरान खान में तो अकल की कमी है, इमरान खान को शासन चलाना नहीं आता है। वही पाकिस्तान कोरोना के मामले को संभालने में 69वें नंबर पर है। तो दिल को बड़ी राहत हुई कि नहीं हुई, हे मेरे दोस्तों, पाकिस्तान इस मामले में 69 पर है, जबकि भारत सरकार 86 पे है। और अब अगर मैं बात करूं तो नेपाल 70 पर, नेपाल 70 पर और बांग्लादेश 84वें नंबर पर। बांग्लादेश जिसकी आबादी का घनत्व, बांग्लादेश जिसका जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, वो 84 पर है। बांग्लादेश 84 पर है मेरे दोस्त, बांग्लादेश 84 पर है। कहां पर है बांग्लादेश, 84 पर, जबकि उसका जनसंख्या घनत्व भारत से ज्यादा है। वहां आबादी क्षेत्रफल की तुलना में बहुत ज्यादा है, लेकिन वो 84 पर है। बात समझ में आई। और उस समय बांग्लादेश में दो तीन तूफान भी आए थे और हमारे यहां भी आए थे। आपने अम्फान तूफान और निसर्ग तूफान का नाम सुना होगा, तो ये लिस्ट याद रखिएगा कौन सा देश कहां है। भैया बेइज्जती नहीं कर रहे अंकिता तिवारी, हम हकीकत बता रहे हैं, इसे बेइज्जती नहीं कहते हैं, इसे सरकार की हकीकत करते कहते हैं, देश की बुराई नहीं कहते हैं इसको, हम देश की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं। देश और सरकार की आलोचना में उतना ही अंतर है जितना गधे और घोड़े में है, ठीक है ना। घोड़ा मतलब देश और गधा मतलब समझ ही सकते हैं आप। तो देश और सरकार की आलोचना एक ना समझें, देश अलग चीज है और सरकार अलग चीज है। देश में जनता भी आती है, देश में पशु भी आते हैं, देश में पक्षी भी आते हैं, देश में भूमि भी आती है, देश में नभ भी आता है, देश में पानी भी आता है, देश में वायु भी आती है, देश में जमीन भी आती है, देश में जंगल भी आता है, देश में जानवर भी आते हैं, देश में लोग भी आते हैं, सब कुछ देश में संस्कृति भी आती है, देश में सभ्यता भी आती है। इन सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल सरकार के प्रदर्शन की बात कर रहा हूं। बात समझ में आई, ये आपको समझ के बात की नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मैं अगली खबर बताता हूं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा, और आप जानते हैं केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के जो मंत्री हैं प्रहलाद जी जोशी शायद उनका नाम है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 26 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक
26 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से 31 जनवरी 2021 के बीच एक वार्षिक कार्यक्रम कौन सा आयोजित किया, तो आपको उत्तर देना है भारत पर्व 2021। भारत पर्व 2021 का आयोजन किया कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। ये भारत पर्व कितने दिन का था? तो 26, 27, 28, 29, 30 और 31, ये छह दिन तक ये भारत पर्व चलाया गया और ये भारत पर्व का आयोजन किया गया। सर, ये भारत पर्व का आयोजन कब से हो रहा है, किस साल से हो रहा है? भारत पर्व का आयोजन साल 2016 से हो रहा है। भारत पर्व का आयोजन पर्यटन मंत्रालय करता है, संस्कृति मंत्रालय नहीं करता है। याद रखें, भारत पर्व का आयोजन संस्कृति मंत्रालय नहीं करता है, क्योंकि यहां ऐसा लगेगा कि संस्कृति दिखाई दे रही है, लेकिन यह संस्कृति मंत्रालय का नाम नहीं है। भारत पर्व का आयोजन कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय नहीं, यही अंतर अपने को याद रखना है, पर्यटन मंत्रालय। और यह पर्व का आयोजन किस साल से हो रहा है? 2016 से हो रहा है, 2016 से। और इस साल सर कब हुआ? इस साल 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हुआ। और किस समय हुआ? तो 26 से 31 जनवरी के बीच वार्षिक तरह से हुआ। वार्षिक यानी कि सालाना आयोजन है। बात क्लियर है? तो अगर आप ये बात समझ गए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय साल 2016 से इस पर्व का आयोजन कर रहा है और इस बार ये पर्व 26 जनवरी से 31 जनवरी तक लगभग एक हफ्ते तक या यूं कहें 6 दिन तक चला और इसके लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इसकी शुरुआत की गई। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर यानी कि लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, इन पर यह कार्यक्रम चलाया गया। बात क्लियर है? तो अगर आगे अगर आपको बात क्लियर है तो मैं अगली खबर पर आता हूं और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आने वाली अगली ये रही। स्टार्स परियोजना, कौन सी परियोजना? स्टार्स, याद रखें, STARS। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, मैं बताता हूं कि स्टार प्रोजेक्ट का पूरा नाम अंग्रेजी में क्या है। स्टार परियोजना का, स्टार्स परियोजना का अंग्रेजी में पूरा नाम क्या है? तो आपको उत्तर देना है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग, स्ट्रेंथिंग मतलब एस, टीचिंग टी मतलब टीचिंग, ए फॉर कहां है तो ये रहा, कहां गया स्टार्स में, स्ट्रेंथिंग टीचिंग और लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स एंड, हाँ ए मतलब एंड, स्टार स्ट्रेंथिंग टीचिंग एंड लर्निंग रिजल्ट फॉर स्टेट, ये स्टार्स परियोजना का पूरा नाम है। बात क्लियर? सर ये परियोजना कौन से मंत्रालय की है? स्टार परियोजना कौन से मंत्रालय की है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की यह परियोजना है। सर ये परियोजना कब शुरू हुई? तो इस परियोजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय साल 2020 में की थी। स्टार परियोजना की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साल 2020 में की थी। कब की थी? साल 2020 में। सर तारीख बता सकते हैं? 14 अक्टूबर 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद 14 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से, भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना की शुरुआत की थी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो शिक्षा मंत्रालय की स्टार परियोजना है, इस परियोजना को चलाने के लिए, इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता कौन सा संस्थान दे रहा है? तो याद रखिए, विश्व बैंक कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में स्टार परियोजना जो कि शिक्षा मंत्रालय की परियोजना है, इसको चलाने के लिए कौन सा विदेशी संस्थान इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है या देने वाला है, तो उसका नाम विश्व बैंक है। क्या नाम है? विश्व बैंक है। और यह विश्व बैंक जो है, इसने इस परियोजना को चलाने के लिए किससे समझौता किया है? आर्थिक मामलों के विभाग। और आर्थिक मामलों का विभाग, मैंने आपको बजट में बताया था, कौन से मंत्रालय का है? वित्त मंत्रालय का।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया गया है, और उस समझौते में यह कहा गया है कि जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय है उसकी एक परियोजना जिसका नाम स्टार्स है उसको धन प्रदान किया जाएगा, यानी कि इस परियोजना को विश्व बैंक ऋण देगा ताकि भारत में चलाई जा सके, और ये परियोजना 14 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई थी। तो बात क्लियर है सर, हमारे शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? हमारे शिक्षा मंत्री का नाम रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड भी पहले दिया जा चुका है। मंत्री बनने से पहले ही ये साहित्य जगत के, या यूं कहें साहित्य कला साहित्य के क्षेत्र के जाने माने एक नाम है, और ये उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र तरफ से आते हैं और उत्तराखंड से लोकसभा के सांसद हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। निशंक इनका उपनाम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार के किस मंत्री को निशंक के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार के किस मंत्री को निशंक के नाम से जाना जाता है, तो आपको उत्तर देना है डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं। भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी को निशंक के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर है, ये लेखक भी हैं और कवि भी हैं। बात क्लियर है, कई सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, कई सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, और आपको मैं बता दूं ये पद्मश्री अवार्ड विजेता भी हैं, या पद्मश्री अवार्ड इनको सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। तो ये हो गई स्टार परियोजना की बात। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बड़ी महत्वपूर्ण है और अगली खबर आप देखकर धन्य हो जाएंगे। देश की खबर आपके सामने मैं लेकर आया हूं शाम को 3:30 से 5 बजे के बीच, और आप जानते हैं खबर क्या है? चोरी चोरा शताब्दी समारोह। आपने सुना होगा कि आज से ठीक 100 साल पहले 4 फरवरी 2022 को, आज से 100 साल पहले 4 फरवरी 2022 को संयुक्त प्रांत का मतलब मेरे दोस्त उस समय संयुक्त प्रांत यानी आज का उत्तर प्रदेश, आज से लगभग 100 साल पहले 4 फरवरी 2022 को संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिवीजन या गोरखपुर संभागीय क्षेत्र के देवरिया थाना में एक गांव पड़ता था जिसका नाम चोरी चोरा था। चोरी चोरा नाम के इस गांव में असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए कुछ लोगों ने रात के समय रैली निकाली। जब गांव में से यह रैली निकल रही थी तो उस समय के पुलिस के कर्मचारियों ने, हेड कांस्टेबलों ने गांव के इन लोगों पर कुछ टीका टिप्पणी की, यानी कि असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, उस आंदोलन के समर्थन में गांव के लोग रैली निकाल रहे थे। जब ये रैली पुलिस थाने के सामने से गुजरी तो पुलिस थाने के जो कर्मचारी या कांस्टेबल या जो भी उस समय के लोग थे, उनने गांव के लोगों पर टीका टिप्पणी या कमेंट्स किए, भद्दे कमेंट्स किए। गांव के लोग इस बात को लेकर गुस्सा हो गए, रैली में जाने वाले लोग इस बात को लेकर उग्र हो गए, और उन्होंने पकड़ के उन लोगों को थाने में आग लगा दी। और जब गांव के लोगों ने थाने में आग लगाई तो उस थाने में आग लगाने से 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। 22 पुलिस कर्मी उस थाने में जलकर मर गए, क्योंकि उन पुलिस कर्मियों ने गांव वालों को छेड़ा था, उनके साथ उल्टी सीधी हरकत की थी, उनको कमेंट किया था, और जब ऐसा किया तो गांव वालों ने उग्र होकर के थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और ठीक जैसे ही ये खबर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पता चली कि आंदोलन हिंसक हो चुका है, आंदोलन उग्र हो चुका है, चोरा चोरी नाम की जगह या चोरी चोरा नाम की जगह पर इस तरह की कोई घटना घट गई, तो महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 2022 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी।
5 फरवरी 2022 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। और मेरे भाई प्रतीक अलावे, आपका कमेंट मैं सासम्मान पढ़ चुका हूं, एक ही बात को रिपीट ना करें, आपको यह ध्यान रखना है। सर आपने डेट गलत लिख दी है, क्या डेट थी भैया? क्या विनोद कुशवाहा आप बता पाएंगे? हो सकता है मैंने गलत लिख दी हो सकता है 3 फरवरी हो या 4 फरवरी हो, आप सुधार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है। और 2022 गलत है सर, ये गलत 22 गलत है कि 21 गलत है? मुझे यहां तक लग रहा है 2022 कि 2021, हाँ 4 फरवरी 1922, मुझे क्लियर कर दीजिएगा अगर ऐसा है तो। पर चोरा चोरी समारोह का जो शताब्दी दिवस है वो घटना 4 फरवरी को घटती है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा, और कंफ्यूजन अगर है तो हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन कहानी सुनो थोड़ा, हुआ क्या कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और इस तरह से यह आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर यह आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन, यह शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और मैं आपको बता दूं, इस दिन देश के एक बहुत बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो गया था। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। और इसी दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और असहयोग आंदोलन की ठीक है शुरुआत तो की थी, लेकिन 1 अगस्त को जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो गांधी ने कहा था कि मेरा एक मजबूत पक्ष चला गया। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर गांधी ने कहा था कि मेरा एक मजबूत पक्ष मेरे पास से चला गया। ये गांधी ने तिलक की मृत्यु पर कहे थे, ये शब्द गांधी ने हमारे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर, जिन्हें हम बाल गंगाधर तिलक जो हैं, ये हमारे देश के बहुत बड़े सर्वव्यापी नेता थे। और आप जानते हैं गरम दल कांग्रेस के नेता थे। आपको याद होगा कि ये चोरा चोरी की घटना कहां घटी? गोरखपुर के देवरिया थाने में, गोरखपुर जिले का देवरिया थाना क्षेत्र में यह घटना घटी थी। तो आपको चोरा चोरी की घटना अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। इस साल चोरा चोरी का शताब्दी समारोह है, यानी 100 साल इस घटना को पूरे होने वाले हैं। 2022 बोल रहे हैं आप तो सही, 2021 चले रहे भाई ऐसा ही बोल रहे हैं, 1 अगस्त 1920। भैया बात समझ में नहीं आ रही है, ये एक साथ इतने सारे हाथ बना के अलग बता रहा है कि क्या बात है। तो कोई बात नहीं, आगे अगली खबर बढ़ते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा चोरा चोरी कांड की तारीख, तो मुझे यहां तक याद है कि तारीख सही है, 4 फरवरी है। हाँ सन में भी मुझे कोई, वैसे तो मुझे कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि 2021 है कि 22 पर, मुझे भरोसा है कि 2022 ही है। यानी आंदोलन को चलते चलते 1.5 साल हो चुका था और आंदोलनकारी थक चुके थे, तो उनको जब किसी ने छेड़ा तो उन्हें गुस्से में आकर थाने को जला दिया। आगे खबर है पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के जानकार पंडित भीमसेन जोशी का आज, यानी कि कह सकते हैं आज तो नहीं, पंडित भीमसेन जोशी का आज यानी कि 4 फरवरी को जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार पंडित भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1922 को प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार पंडित भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था। किस राज्य में सर? कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में इनका जन्म हुआ था। सर ये जो भीमसेन जोशी जी हैं, ये जो है इनका जन्म समझा कर्नाटक में तो हुआ था, लेकिन ये कौन से घराने के संगीतकार थे? तो मैं आपको बता दूं कि पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के संगीतकार थे। किराना घराना, संगीतकारों के अपने अपने घराने होते थे, जैसे ग्वालियर घराना, जोधपुर घराना, इस तरह कई सारे अलग अलग घराने हैं। इन घरानों में ये कौन से घराने संबंध रखते थे? किराना घराना से इनका
संबंध था। गूगल अंकल से पूछना पड़ेगा, बिल्कुल कोमल चौहान एक बार पूछ लीजिएगा गूगल से, ठीक है ना। हालांकि गूगल भी हमेशा सदैव सही नहीं होता है, पर किराना घराना से कौन जुड़े हुए हैं? संगीतकार भीमसेन जोशी। और मैं आपको बता दूं, भीमसेन जोशी जी का जन्म तो भले ही 4 फरवरी को हुआ, लेकिन मृत्यु 24 जनवरी 2011 को महाराष्ट्र के पुणे में हो गई। 24 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु महाराष्ट्र के पुणे में हो गई। और इस साल भारत सरकार इनका जन्म शती समारोह यानी शताब्दी समारोह का आयोजन कर रही है। भारत सरकार इस साल महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर भारत का संस्कृति मंत्रालय इनकी शताब्दी समारोह का आयोजन कर रहा है। मैं एक और चीज बता दूं, पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न प्राप्त भी है, भारत रत्न प्राप्त भी है। और मैं एक और बात बता दूं कि पंडित भीमसेन जोशी ने एक बड़ा प्रसिद्ध गीत लिखा है, और इस गीत का नाम है मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। यह आकाशवाणी पर चलने वाला गीत जिसका नाम है मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये गीत किसका है? तो आपको याद रखना है पंडित भीमसेन जोशी का है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये गीत पंडित भीमसेन जोशी का है, यह अपने को याद रखना है। तो पंडित भीमसेन जोशी के बारे में काफी बात हुई, शास्त्रीय संगीतकार, भारत रत्न प्राप्त, और उसके बाद संधि न्यू स्टार्ट। क्या नाम है संधि का? संधि का नाम है न्यू स्टार्ट संधि। कौन सी संधि? न्यू स्टार्ट। ये न्यू स्टार्ट संधि किनके बीच हुई है? अमेरिका और रूस के बीच हुई है। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार पर नियंत्रण करने वाली संधि न्यू स्टार्ट 5 साल के लिए आगे बढ़ा दी है। किस देश के साथ परमाणु हथियारों पर नियंत्रण करने के लिए संधि को 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियारों पर नियंत्रण करने के लिए जो संधि है उसको 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। यह संधि पहली बार 2011 में अस्तित्व में आई थी। रूस और अमेरिका, आप जानते हैं, परमाणु हथियारों के सबसे बड़े देश हैं। इन दो देशों के बाद जितने परमाणु बम हैं उतने दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए उन परमाणु हथियारों के संचालन पर, उनके प्रयोग पर नियंत्रण करने के लिए इन दोनों देशों के बीच में जो संधि है उसका नाम है न्यू स्टार्ट संधि, जो पहली बार 2011 में हुई थी, जिसे 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो यह अपने को याद रखना है। सर कमेंट भी पढ़ लो ध्यान से प्लीज। मैं आदिवासी गायक धारवाला, धन्यवाद मुकेश रावत। सर एक बार और गा दो, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो भैया ये 2 लाइन पंडित भीमसेन जैसे गांजा फेंकू लेके हो क्या? हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो आप फूके लिए हो क्या? हाँ गांजा फूक लिए। स्टाइलिश नरेंद्र बोल रहे हैं, पता नहीं कौन है ये। और चतुर्वेदी करौली 2011, रोहित जामरा जी, सर भीमसेन जोशी को ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, क्या बात कर रहे हो? मैंने तो, मेरे तो पढ़ने में नहीं आया है, लेकिन अगर आप बता रहे हैं VGMP 12 यानी कि खरगोन के होंगे, MP 12 लिख रहे हैं कि भीमसेन जोशी को ऑस्कर भी मिला है। अच्छा, इस बार मामा के यहाँ आऊँगी तो आपसे और से और जरूर मिलेंगे, फिर अपन चांद पड़ा चलेंगे। हाँ ठीक है, चलेंगे चांद, पता चलेंगे, पता नहीं कहाँ जाना है इनको। सर भीमसेन जोशी को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है कि मिला है? मिला है, ठीक है, अच्छी बात है अगर मिला है। तो भैया आप सभी का मैं अभिवादन स्वीकार कर रहा हूं। आपने मुझे जैसे भी अभिवादन पिछले 1.5 घंटे में किया है, जैसे कि आपने अगर जय जय हिंद बोला है, जय भारत बोला है, आपने अगर मुझे जय हिंद जय भारत के साथ जय जोहार, जय भीम, जय आदिवासी, जय श्री राम, जय राम जी की, या और भी कोई अभिवादन का तरीका आपने इस्तेमाल किया है, तो उन सभी तरीकों को स्वीकारते हुए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बीच बीच में आपके साथ में जिस तरह की भी बातें मैं करता हूँ, जिस तरह की आपके साथ में मेरी ट्यूनिंग होती है, उसमें अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से बुरा लगता है तो मैं उनसे अग्रिम माफ़ी चाहता हूँ। वो हम सब परिवार के हिस्से हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सूचना जो कि मैं पहले भी दे चुका हूँ, कि ऐसे स्टूडेंट जो ये समझते हैं कि अभी तक क्लास का टाइम शाम को 4 से 5 बजे के बीच है, उनको मैं बता दूं कि कल से यानी कल 5 फरवरी 2021 से क्लास का टाइम हमेशा 3:30 से
चार बजे तक रहेगा जब तक कि इसमें बदलाव ना किया जाए। साढ़े चार साढ़े तीन बजे से शाम साढ़े तीन से पाँच बजे के बीच आपकी क्लास लाइव रहेगी और इस लाइव क्लास में आपको देश विदेश की घटनाओं को शुरू के आधे घंटे में बताया जाएगा, यानी शाम को साढ़े तीन से चार बजे के बीच देश विदेश की घटनाएं होंगी और बाद के आखिरी एक घंटे में यानी कि शाम को चार से पाँच के बीच आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो मध्य प्रदेश से जुड़ा होगा, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से जुड़ा होगा। तो आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा, आप सभी से ऐसे ही मिलता रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। और इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त, मिलते हैं अगली बार।